नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लद्दाख सीमा पर चीन को लेकर तनाव जारी है, लेकिन देश की सियासत अब चीन के फंड पर आकर लटक गई है। कांग्रेस के सीमा पर तनाव को लेकर पूछे जा रहे सवालों पर बीजेपी ने चंदे को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। आज जेपी नड्डा ने एक बार फिर से कांग्रेस से चीन के चंदे को लेकर 10 सवाल पूछे। जवाब में कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनाव ने देश की सियासत का पारा गर्म कर रखा है। चीन को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस के सवालों की बौछार के बीच बीजेपी का कांग्रेस को फंड के फंडे में घेरने का सिलसिला जारी है। 130 करोड़ का देश जानना चाहता है कि आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है, उसकी जानकारी लेना चाहता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के चंदे को लेकर यूपीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। नड्डा के आरोपों का अब पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जवाब दिया है। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले चंदे का मोदी सरकार के तहत 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से क्या लेना देना है। मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन अपना अतिक्रमण खाली करेगा और पूर्व की यथास्थिति बहाल करेगा। नड्डा जी, वास्तविकता के धरातल पर आइए, अर्धसत्य वाले अतीत में मत रहिए। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आज पी चिदम्बरम साहब बोलते हैं कि प्रिजम्प्टिव ऑफर है हमारा, और वो प्रिजम्प्टिव ऑफर ये है कि राजीव गांधी फाउंडेशन वो पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर पूर्व वित्त मंत्री, जो खुद बेल पर हो, हम समझ सकते हैं व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स, लेकिन उसके द्वारा यह स्वीकारना होगा, इट इज एन एक्सेप्टेंस कि देश के हित अहित में राजीव गांधी फाउंडेशन ने फंड्स भी लिए। और इस परिवार का, हम सब जानते हैं, एक ही तरीका है, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जितनी शिद्दत से कांग्रेस या विपक्ष को डेमोनाइज और डिनाइग्रेट करने में लगे हुए हैं नड्डा साहब या पूरी की पूरी बीजेपी, अगर उतनी शिद्दत, पैशन और कमिटमेंट के साथ सरहद के सवालों को हल करने में लगाया होता, डिप्लोमेसी को ट्रायल बैलून से निकाला होता, तो मुल्क अपने आप को महफूज समझता। उधर शिवसेना भी चंदे की राजनीति को लेकर कांग्रेस के बचाव में नजर आई। शिवसेना ने मुखपृष्ठ सामना में लिखा कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं बल्कि चीन को जवाब देने का है। विदेश से कई पार्टियों ने पैसे लिए हैं, ऐसे में ये कोई नहीं कह सकता कि वो दूध का धुला हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी राजदूत की तरफ से दान में जो पैसे मिले, उसका खुलासा करने से क्या चीन अपनी सेना वापस ले लेगा? चीन पीछे हट गया है और तनाव कम हो गया है, अब इस झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। उधर कांग्रेस चीन की सीमा को लेकर सरकार पर लगातार सवालों के बम दाग रही है। आपका खिलाफ जो है, जो ओपोनेंट है, उसको आप गुमराह करो झूठ बोल के, ताकि उसको लगे कि आप तो बात कर ही नहीं रहे, आप तो अपनी हिफाजत कर रहे। फंड के चीनी फंडे को लेकर खींचतान का दौर जारी है। कांग्रेस सरकार पर चीन सीमा के तनाव को लेकर सवाल कर रही है, तो मोदी सरकार कांग्रेस को चीन से लिए हुए फंडे को लेकर घेर रही है। आज तक ब्यूरो। 1991 में राजीव गांधी फाउंडेशन बना था। 15 साल पहले उसने जो अनुदान लिया, उसको लेकर मौजूदा दौर में सियासी बवाल जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। इसी पर हल्ला बोल की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन खेड़ा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस के विचारक हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ
साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा, आपसे ही सवाल जवाब करते हुए, मौजूदा दौर में चीन के साथ जो सीमा विवाद जारी है उसमें ये 15 साल पहले जो अनुदान दिया गया था उसका सीधे तौर पर क्या लेना देना है, देश ये जानना चाहता है। मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं इसे। देखिए, हर कोई ये जानता है और एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि चीन जो है वो केवल एक ही फ्रंट पे युद्ध नहीं लड़ता है, कि केवल चीन की पीएलए मिलिट्री फ्रंट पे युद्ध लड़ेगी, केवल बंदूकों से युद्ध लड़ेगी। वो एक इंफॉर्मेशन युद्ध, एक प्रोपेगेंडा युद्ध, एक इंटेलिजेंस युद्ध, इन सब फ्रंट्स पे लड़ता है। आज नड्डा जी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। नड्डा जी ने कहा कि जो ये राजीव गांधी फाउंडेशन था, जिसको कि चीन की एम्बेसी और चीन की सरकारों से बहुत बड़ी रकम मिले थे और 3 बार मिले थे, उसका एक चार्टर उन्होंने दिखाया। मैं भी आपको दिखाता हूं, ये एक चार्टर है। उस चार्टर में वो कहते हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन कहता है कि हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के साथ। ये एक चाइना का एक बहुत बड़ा एजेंसी है जिसके साथ उनका एक चार्टर होता है। अब आप सुनिए, ये जो एजेंसी है जिसका नाम मैंने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल फ्रेंडली कॉन्टैक्ट कहा, वो क्या काम करती है। आज नड्डा जी ने दिखाया है, मैं दोबारा यहां पर दिखा बता देता हूं। वैसे ये चार्टर है, आप देख सकते हैं, और मैं पढ़ देता हूं 3-4 लाइन इसका। इसका लाइन है कि इट परफॉर्म्स, CAIFC परफॉर्म्स ड्यूअल रोल्स ऑफ इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कंडक्टिंग प्रोपेगेंडा एंड परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन्स, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1984 एंड इज एक्टिव इन ओवरसीज इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस टू प्रमोट द इंटरेस्ट्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मतलब जिसके साथ करारनामा इनका राजीव गांधी फाउंडेशन का हुआ, पैसा लेने के बाद हुआ, वो जो कंपनी है, वो जो बॉडी है, उसका काम है इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, प्रोपेगेंडा करना, दूसरे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और चीन के लिए एक माहौल बनाना। आप चीन से पैसा लेते हैं, इस प्रकार की एक बॉडी के साथ आप करारनामा करते हैं, चुपके चुपके MOU 2008 में करते हैं, और उसके बाद ट्रेड डेफिसिट को गड़बड़ कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे एक संस्था जो कि एक मिलिट्री के लिए काम करती है, दूसरे देश के सरकार के लिए इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए काम करती है, आप वैसे संस्था के साथ क्यों हाथ मिला रहे थे? और ये सब कुछ चुपचाप बंद था? आज जब सब कुछ सामने आ रहा है तो सबकी बोलती बंद हुई पड़ी है। कल से यहां वहां जा चुके हैं, असली बात पे जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और जो पहला सवाल जेपी नड्डा की ओर से पूछा गया है कि आखिर इस फाउंडेशन का चीन के साथ क्या संबंध है, उस पर भी जवाब दीजिए पवन खेड़ा जी। मेरे मित्र संबित पात्रा ने चाइना एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनली फ्रेंडली कॉन्टैक्ट के बारे में बताया। सुनील आंबेडकर का नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे हमारे संबित पात्रा जी, संघ के बड़े वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। रागी जी भी जानते होंगे उनको, उनके क्या संबंध हैं इस संस्था से, जरा वो भी खुलासा करिए। कितनी बार गए उनके उनके आमंत्रण पर, क्या क्या संबंध रखे उन्होंने उनसे, पूरा वो जानकारी बताइए। विवेकानंद फाउंडेशन के इस संस्था से क्या संबंध है, वो भी जानकारी दीजिए। और जिस संस्था में विदेश मंत्री के सुपुत्र कार्यरत है, उस संस्था को चीन की एम्बेसी से कितना पैसा कब आया, क्या इसीलिए आपने इन्हें विदेश मंत्री बनाया, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल उनकी कोई उपयोगिता आज के प्रश्न पे नहीं है। आज का प्रश्न है चीन हमारी सीमा पर आ गया है, अंदर घुस आया है, 18 किलोमीटर और भीतर आ गया है। आपकी कमजोरी साबित हो गई है, आपकी कूटनीतिक खत्म हो चुकी है, सेना एक मजबूत सेना को आपने हाथ बांधे हुए हैं। और सेना पर बात तो तब आती है जब सरकार विफल हो जाती है। सरकार यहां विफल हो गई, आपकी विदेश नीति बिल्कुल खत्म हो गई है। ह्यूवाई से, जो कि चीन की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह पूरे विश्व में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितने करोड़ रुपए आए अभी पिछले महीने, जरा वो भी खुलासा करिए। जायोमी एक और चीन की कंपनी है, 15 करोड़ उनसे ले लिए प्रधानमंत्री केयर ने, और प्रधानमंत्री केयर में कोई ऑडिट नहीं, हमारा तो सब कुछ सार्वजनिक पटल से आपने उठाया है। करिए ना आरएसएस का एक एक अकाउंट, एकल विद्यालय, मैं आपको बताऊं चित्र, एकल विद्यालय की मेरे बीच में भी ना बोले मेरी आपसे पवन खेड़ा जी अब आप ये तो तय नहीं करेंगे कि मुझे किसके बीच में बोलना है और किसके बीच में नहीं बोलना है। मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा है पवन खेड़ा जी, कि जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि चीन से इस फाउंडेशन का क्या रिश्ता है, आपने बाकी सब गिना दिया सिवाय इसके। आपको नहीं समझ में आ रहा,
नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ सार्वजनिक करने के बाद नहीं समझ में आ रहा, हमने खुद अपनी प्रेस रिलीज में कल सार्वजनिक कर दिया, फिर भी आप पूछना चाहती हैं, इनसे नहीं पलट के पूछेंगी कि राजू सबनानी कौन है जो हिजबुल्ला के साथ पार्टनर है और आरएसएस के एकल विद्यालय को पैसा दे रहा है 20-30 सालों से। आज बीजेपी ओवरसीज बीजेपी का चाइना और हांगकांग का उपाध्यक्ष है, जिसको जब ये अरेस्ट हुआ था इसको छुड़वाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक राजदूत को भेजा था 2003 में। हम भी ये सब बातें उठा सकते हैं, लेकिन आज देश के सामने सीमाओं का प्रश्न है, हम इनसे सीमाओं पे पूछते हैं, ये हमसे लड़ने आ जाते हैं। ठीक है, अरे चीन से लड़िए ना, कांग्रेस से तो लड़ने के लिए पूरा 4 साल बचे हैं, लड़ लेंगे हम भी, हम बहुत सारे कागज पड़े हम भी निकाल लाएंगे। राजू सबनानी कौन है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के आरएसएस के क्या संबंध है चीन से, हम भी कई प्रश्न पूछेंगे। चीन से लड़ने का वक्त है या कांग्रेस पार्टी से? मैं बोल लूं प्लीज। चित्रा जी साहब के बेटे के क्या संबंध है चीन से, वो तो कहता है मेरी सारी इन्वेस्टमेंट ही चीन से। देखो चित्रा जी, मैं बहुत शांति से बैठा, अब आपने मेरे से सवाल पूछा है मैं बोल लूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। चित्रा जी आप इनसे कहिए, देखिए इन्होंने कहा कोई राजू सबनानी है, 30 साल से वो पता नहीं संघ के किसी को पैसा दे रहा है एकल विद्यालय के लिए, तो आपकी सरकार थी पकड़ लेते उस सबनानी को, जेल में डाल देते, फांसी चढ़ा देते। हम तो पकड़ रहे हैं ना, माँ बेटे आज बेल पे बाहर है कि नहीं, और अभी देखिए क्या क्या करेंगे हम। आपने जो चीन से पैसा लिया है ये सब कुछ खुलासा हुआ है, मेहुल चोकसी से भी पैसा लिया है, ये भी आज हमारे अध्यक्ष जी ने खुलासा किया है। क्या लगता है आपको हम छोड़ देंगे, हम पकड़ेंगे आपको। दूसरी बात, आपका मेल सवाल था कि किस पे लड़ना है, कांग्रेस से लड़ना है या चीन से लड़ना है। चित्रा जी, चित्रा जी आप बताइए, ये रोज, मैं तो आज तक का बहुत बड़ा फैन हूं, दोपहर को आज तक ऑन करता हूं तो वो आता है सास बहू साजिश, सुबह आज तक 8 बजे ऑन करता हूं तब माँ बेटा साजिश, सरेंडर हो गया, देश लुट गया, प्रधानमंत्री झुक गए, प्रधानमंत्री छुप गया, प्रधानमंत्री डर गया, मतलब क्या मजाक बना रखा है यहाँ पे। यहाँ प्रधानमंत्री जी खुद आके कहते हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई, नो इंट्रूजन नो पोस्ट टेकन। नरवणे साहब जो जनरल नरवणे है वो आर्मी के चीफ है, वो खुद कहते हैं कि हमारी आर्मी बिल्कुल डटी हुई है, हमने कोई जमीन कंसीड नहीं किया है। और तो और मीडिया चैनल्स अपने सैटेलाइट इमेजेस ला ला के दिखा रही है, कोई आपकी सैटेलाइट तो नहीं है, जो सैटेलाइट है आप इमेजेस ला के दिखा रही है कि देखिए जो भी बिल्डअप किया है उनके एलएसी के साइड का है, वो उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। मैं चित्रा जी पूछना चाहता हूं, अगर विश्व में किसी पर भी ये विश्वास नहीं करेंगे चाइना को छोड़ करके, तो मैंने कल भी गुजारिश की थी दोनों को, माँ बेटे को सैटेलाइट में बैठा के छोड़ दीजिए, वो आसमान के ऊपर से खुद ही बाइनोकुलर से देखते रहेंगे नीचे। किसी पर तो विश्वास करना है नहीं, ना एनडीए पे विश्वास करना है, ना प्रधानमंत्री पे विश्वास करना है, ना आर्मी पे। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मौजूदा वक्त तो चीन से लड़ने का है, ये जो 10 लंबे चौड़े सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछे गए, क्या ये सवाल चीन से नहीं किए जाने चाहिए थे? क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था कि अगर जो विवादास्पद जमीन है वहां पर चीन की फौज आती है, हमें आंखें दिखाती है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे संबित पात्रा। चलिए बिल्कुल, मैं आप सही पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए चित्रा जी। और देखिए इन सवालों का जवाब जेपी नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नहीं देते, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई वहां प्रेजेंटेशन दिखाया गया, सबकी सहमति रही केवल कांग्रेस को छोड़ करके, और उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी रूबरू हुए, देश के सामने रूबरू हुए, उन्होंने 10 बिंदुओं भी रखी, उन बिंदुओं में स्पष्टता के साथ कहा गया कि कोई जमीन कंसीड नहीं किया गया है, कोई पोस्ट नहीं गई है। और शक्ति प्रदर्शन पहली बार मेरे लिविंग मेमोरी में, पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के लिए कहा कोट अनकोट शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, और कैपेबिलिटीज भी गिनवाया, उन्होंने कहा हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल, हमारे पास इस प्रकार की टैंक, ये सब भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में भी बताया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। याद करिए एके एंटनी साहब छाती पीट के कह रहे थे कि नो बॉर्डर डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ 70 इयर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अरे है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला यहाँ टीवी पे, जब स्वयं प्रधानमंत्री आके बोल के जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं है कांग्रेस पार्टी को? देखिए प्रधानमंत्री ने चित्रा जी यहाँ बोला कि चीन हमारी धरती पर आया ही नहीं, किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ ही नहीं, 2 घंटे में चीन ने कहा देखो देखो भारत का प्रधानमंत्री भी वही बोल रहा है गलवान घाटी तो हमारी, 2 घंटे में। और दूसरे दिन सुबह विदेश मंत्रालय को प्रधानमंत्री के झूठ का खंडन करना पड़ा, 20 जून को एक बार और 25 जून को दूसरी बार विदेश मंत्रालय ने खंडन किया। कल हमारे राजदूत चीन में जाकर चीन के राजदूत को क्या बोले, चीन के विदेश मंत्रालय यही तो बोले कि आप हमारी एलएसी के से वापस अपने तरफ जाइए, हमारे इलाके को छोड़िए, हमारे इलाके में है तभी ना कहा होगा, पुराने जितने हमारे रिटायर्ड सेवानिवृत्त जनरल्स हैं वो सब देशद्रोही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि चीन यहां घुसाया है, जितने रक्षा विशेषज्ञ सब देशद्रोही हैं,
चीन ताली बजाता है प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर और प्रधानमंत्री की टिप्पणी को खारिज करना पड़ता है विदेश मंत्रालय द्वारा। यह भी स्थिति 70 साल में पहली बार देखी गई है। और बहुत ज्यादा फंड वंड कर रहे हो, पूछे ना, ये विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन जो बार बार चीन जाते थे, आरएसएस को भी साथ में लेकर जाते थे, क्या वहां घुटरगुम होती थी? बताइए देश को क्या घुटरगुम होती थी? देश विरोधी षड्यंत्र रचे जाते थे वहां? इसका उत्तर दीजिए। जब कारगिल हो रहा था तब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में क्या कर रहे थे? क्या षड्यंत्र रचे जा रहे थे? ये तमाम बातों का उत्तर हम भी मांगेंगे। अब तक तो हम सिर्फ अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के विषय में आपसे प्रश्न पूछते थे। अब जब आपने ताला खोल ही दिया है तो राजू सबनानी तो हिंदुस्तान में है नहीं, नहीं तो हम भी गिरफ्तार कर लेते। चलिए ठीक है पवन खेड़ा, पैराग्वे में छुड़वाने चले गए थे। ठीक है, समय पात्रा जवाब दीजिएगा। मैं संगीत रागी को लेकर आना चाहूंगी। छुड़वाने के लिए क्यों छुड़वाया उसको? क्या दबाव है आपका? राजू सबनानी कौन है जो आपने उसको वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है बीजेपी? हम लोग कहां की बात कहां को लेकर जा रहे हैं? ठीक है पवन खेड़ा जी, ठीक है, लेकिन फिर आप जवाब भी दे देते ना कि ये राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर। एक सेकंड सर, पवन खेड़ा जी अगर इतने सारे फाउंडेशन का जवाब फाउंडेशन से है तो फिर इसका जवाब दे देते कि राजीव गांधी फाउंडेशन में पीएम रिलीफ फंड का पूरा पैसा क्यों ट्रांसफर होता था? ये भी तो सवाल है ना। ठीक है, मैं लौटूंगी संगीत त्यागी की एक टिप्पणी। सर अफवाह नहीं फैला रही हूँ। 2006 से 2009 एक सेकंड पवन खेड़ा जी पूरा 2006 से 2009 मैं बहुत थोड़ा सा मान लेती हूँ पवन खेड़ा जी, मैं इतना सा मान लेती हूँ पवन खेड़ा जी। एक सेकंड, ज्यादा अग्रेसिव होने की मुझ पर जरूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं हूँ पवन खेड़ा जी, मैं बीजेपी नहीं हूँ। आप इस तरह से एक जर्नलिस्ट से बात नहीं कर सकते पवन खेड़ा जी, बिल्कुल तमीज से पवन खेड़ा जी, बिल्कुल कायदे से। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे, अगर आपने इतने सारे फाउंडेशन, सर आपने इतने सारे फाउंडेशन, चित्रा जी आप ही ने कहा था क्या हमारी सेना कमजोर है इसलिए बॉर्डर के इस तरफ चीन आ गया? मैंने कहा था पवन खेड़ा, 10 दिन पुरानी बात। मैंने कहा था पवन खेड़ा, बिल्कुल मैंने कहा था। आप क्रॉस चेक कीजिए और मैं आपसे, एक सेकंड सर, पवन खेड़ा जी मैं आपसे 5 मिनट के बाद इसी सवाल का जवाब लूंगी। बाकी के प्रवक्ताओं को फोन लगाइए और उसके बाद सवाल पूछिए। आप झूठ बोलने की लिमिट तय कीजिए पवन खेड़ा जी, झूठ बोलने की एक लिमिट तय कीजिए। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? एक सेकंड सर, एक सेकंड पवन खेड़ा जी, अभी अभी आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए। चैनल ने नहीं किया था, चैनल ने नहीं कहा था, न चैनल ने कहा था न मैंने कहा था। ठीक है पवन खेड़ा जी, आपस में मत उलझिए पवन खेड़ा जी, आपस में मत उलझिए। आप लोगों की कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की आदत पड़ गई है। समय पे आ रही हूँ आपके पास, लेकिन संगीत रागी और एक बार आशुतोष की टिप्पणी जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। संगीत रागी जी, चित्रा जी, क्योंकि चित्रा जी मैं आपसे, मैं संगीत जी से भी, एक चित्रा जी, एक सेकंड चित्रा जी, देखिए बहुत, एक प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी की गई, मुझे आप केवल 20 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जरूर रागी जी मेरे बड़े भाई, जल्दी दोनों को मैं सिर्फ 20 सेकंड लूँ। ठीक है, देखिए चित्रा जी, यहां पर कहा गया कि प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे क्लारिफिकेशन दिया गया, क्लारिफिकेशन नहीं एक्स्ट्रापोलेशन। याद रखिए प्रधानमंत्री ने कहा हमारे जमीन पे कब्जा नहीं है, मतलब इस बार जो हम 5 मई से जो बात कर रहे हैं एलएसी को पार करके कोई भी जमीन कब्जा नहीं हुई है। हाँ, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्षय चिन्ह का इलाका और जो 5,070 का जो स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान से लिया गया है कांग्रेस के समय, उस पर कब्जा है, ये आप भी समझती है। और बार बार इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी छुड़ाने चले गए थे। देखिए ये भी बातें लोग करते हैं कि राहुल गांधी कुछ द्रव्य के साथ पकड़े गए थे अमेरिका में, अटल बिहारी वाजपेयी छुड़ा दिया। ठीक है सर, ये बार बार इतिहास में जाकर जो हम लोग झांक कर वापस लौटते हैं, सवाल का ये जवाब क्या था, यही बता दें इनके खिलाफ हमारी सरकार अब क्या कर रही है, क्या रणनीति है, इस पर तो आप लोग जवाब देने को तैयार नहीं है। लेकिन आप मुझसे चित्रा जी मैं आपसे कहूंगा आप मुझसे कोई भी सवाल पूछिएगा। संगीत रागी जल्दी से, सवाल तो बड़ा है ना कि मौजूदा दौर में जब चीन के साथ लड़ना चाहिए तो हम सवालों की फहरिस्त लेकर आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने के लिए। ये वक्त साथ में चलने का है या फिर विरोध की राजनीति देश में ही इस कदर घिर जाए कि हम जो हमारा मेन विरोधी है उसका हम सामना ना कर पाए? बिल्कुल चित्रा जी, होना तो यही चाहिए था, लेकिन इस बात को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी की। देखिए विपक्ष सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है और नहीं कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है, सिर्फ गांधी परिवार सवाल पूछ रहा है। और सर्वदलीय बैठक में ये बात बहुत साफ हो गई कि देश के लोग क्या सोचते हैं और यदि आप विदेश से आयातित नेता लाएंगे तो उनकी सोच क्या होगी। दूसरी बात,
जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल है, जिस प्रकार से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लिया गया है, चाइना की सरकार ने दिया है, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने दिया है, उस आधार पर भारत के संसद के लोकसभा के स्पीकर को चाहिए कि राहुल गांधी को, श्रीमान राहुल गांधी को पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी से तुरंत उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। क्योंकि क्या ऐसी मजबूरी है? क्या गांधी परिवार को चाइना ब्लैकमेल कर रहा है? क्या गांधी परिवार इस पूरे साजिश का हिस्सा है? क्या गांधी परिवार नरेंद्र मोदी की सरकार को और भारत को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है? ये सारे तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी को रोज जवाब मिल रहा है कि देश की सेनाएं, थल सेना, नभ सेना और जो नेवी है क्या कर रही है, क्या जा रही है, बॉर्डर पे क्या एक्सरसाइज हो रहा है, क्या चीज चल रहा है, ये बातें तमाम लोगों के जानकारी में है। इसके बावजूद यदि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी सवाल पूछ रही हैं, तो ये जानना पड़ेगा, ये विपक्ष सवाल ना पूछे, विपक्ष आपसे सवाल ना पूछे, क्या चाइना गांधी परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है? सर विपक्ष सवाल ना पूछे, क्योंकि चाइना से इन्होंने गुप्त रूप से पैसे लिए हैं, वो भी अदर अकाउंट के मामले में लेकर के। विपक्ष आपसे सवाल ना पूछे, संगीत रागी विपक्ष किससे सवाल पूछे, वो चीन जाकर सवाल पूछे, बिल्कुल पूछना चाहिए। देखिए दो संस्थाओं के बीच में बातचीत होती है, चाहे वो विवेकानंद फाउंडेशन हो, या यहाँ तो इस जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसके साथ साथ ये भी है कि जो समझौता 2008 में हुआ था वो गांधी परिवार के लिए एक स्पेसिफिक पारा। सर तो 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार है, ठीक है, 2014 से लेकर अब तक आपकी सरकार है, अब 2006 से 8 तक 9 तक पैसा क्यों लिया, उसका जिक्र एक ऐसे वक्त में जब चीन के खिलाफ हमें एकजुट होना चाहिए, तो हम ये देख रहे हैं कि किस फाउंडेशन ने चीन से कितना पैसा लिया है, क्या यही बच गया है? इसलिए गंभीर मामला हो जाता है कि यदि आपको पैसा दे रहा है तो चीन को आप क्या इनपुट दे रहे हैं? आपके ऊपर चीन यदि लाखों रुपए खर्च कर रहा है, आपके अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर रहा है, वो पैसा गांधी परिवार को ही ट्रांसफर, जवाहरलाल नेहरू फंड को, ठीक है, तो क्या मामला यहाँ पर आ जाता है कि दरअसल चीन इन्हें पैसे दे रहा है, इनके फाउंडेशन में पे किया है, इस वजह से अब उसको निभाने के लिए, ठीक है, आपने जो, ठीक है संगीत राव, ठीक है, नेहरू फंड को, ट्रस्ट को, ठीक है, 5 करोड़ रुपए उस दिन दिए गए थे जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। आशुतोष सरकार चले जाने के बाद पहले संगीत रागी चुप हो, तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लेते रहेंगे तो पता नहीं कितनी चीजें खुलेंगी। ठीक है आशुतोष, देखिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी डिबेट है, ये डिबेट दरअसल इस देश की जो सरकार है वो उसकी सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वो 10 जनपद में रहता है और पिछले 6 सालों से लगातार वो चीन की मदद कर रहा है, और यहाँ की सरकार जो है वो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है, उनको पकड़ भी नहीं पा रही है, उनके खिलाफ केस भी नहीं कर पा रही है, और सारे आरोप लगा रहे, यानी स्पाइंग कर रही, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये चीन के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, और जो चीन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, दुश्मन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, वो खुला निर्द्वंद घूमता रहे, सिर्फ टीवी चैनल पर आकर उस पर डिबेट होती रहे, बहस होती रहे, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से डाइवर्जनरी टैक्टिस है। टैक्टिस इसलिए है क्योंकि अभी आपके चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जे में नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला। मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता है, लेकिन क्या चीन के अंदर जो भारत के जो राजदूत हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि डिसंगेज और डिस्केलेशन होना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने एलएसी के पीछे की तरफ नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। देखिए बुनियादी सवाल क्या है, बुनियादी सवाल यह है कि बीजेपी की जो सरकार राष्ट्रवाद की बात किया करती थी, आज चीन जो है वो आपके गालवान वैली में पूरी तरीके से घुस गया है, जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस जगह पे उसने बड़ा कैंप बना लिया है, हेलीपैड उसने बना लिया है, चूमर पे बना लिया है, आपका जो दौलती बेग ओल्डी है उसको डोमिनेट कर दिया है, देसपांग से उसने दूसरे रास्ते से आपको कर लिया है, भारत की जमीन पे चुपचाप बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 1967 के अंदर जब चीन ने हिमाकत की थी तो भारत की सेनाओं ने 400 चीनी जवानों को
को मौत के घाट उतारा था, भारत के 88 गए थे और उसके बाद चीन ने कभी हिम्मत नहीं की थी घुसने की। 1986 में भी चीन ने करने की हिमाकत की थी, उस वक्त भी उसको उसको जबरदस्त जवाब मिला था। आज क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? आज भारत की सरकार और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, हाँ। वो क्यों बैठ कर एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं, क्यों नहीं कहते? इसका मतलब क्या है? भारत के सैनिकों को आप दरअसल बता रहे हैं कि वो एलएसी क्रॉस करके उधर गए थे और फिर उनके ऊपर गोली लगी थी। मतलब आप देश का मजाक उड़ा रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आना क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है संबित पात्रा? चित्रा जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो आशुतोष जी, जिनको मैंने बड़ा भाई भी कह दिया है, उनसे 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लूं, आपकी अनुमति लेके पूछना। 10 सेकंड का एक सवाल। आशुतोष जी, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान से सुना। आशुतोष जी, आपका मानना है कि भारत की आर्मी ने, मतलब भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को और DSDBO रोड को ये सब सरेंडर कर दिया है, वो हमारे अब इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया? आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? समित पात्रा जी, आज की हकीकत यह है कि गलवान वैली में चीन की सेना है। आज की हकीकत आशुतोष जी, इसका इतना बहुत लंबा, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा आंसर, आशुतोष जी इतने लंबे आंसर की एक्सपेक्टेड, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी सुनिए, एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा ऐसे चिल्लाने की, आशुतोष जी ऐसे, आशुतोष जी इतना चिल्लाने की कोई, इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशुतोष जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं करने वाला है। एक बहुत चित्रा जी, मैं चाहूंगा कि आप इनको कहें कि एक बार मुझे सुन लीजिए, एक सेकंड आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए, जरा ध्यान से सुनिए आशुतोष जी, आशुतोष जी आप बड़े हो चुके हैं, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए, ध्यान से सुनिए। क्या 1962 के लिए आप भारत की सेना को जिम्मेदार ठहराते हैं? मेरी बारी थी, ये व्यवहार उचित नहीं है आशुतोष जी, सुनिए, मैं बिल्कुल आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता, आप व्यवहार के साथ कर्टेसी के साथ बात करिए। आशुतोष जी डायरेक्ट सवाल था कि क्या मिलिट्री ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? आपके हिसाब से सरेंडर कर दिया है? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका क्या कहना है? मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है? आशुतोष जी, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है? मैंने बहुत डायरेक्ट पूछा है। संबित पात्रा, राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलेंगे तो उनको जब्त किया जाएगा। वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 1962 में क्या झूठ बोलेंगे? मैंने आपसे पूछा, नेहरू हार के कौन जिम्मेदार था? आपने कहा कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है, उसके लिए आपने कहा मिलिट्री ने अभी सरेंडर कर दिया है, इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए, इसकी स्पष्टीकरण दीजिए। आशुतोष जी चिल्ला के ऐसे ऐसे यहाँ उछलने से कुछ नहीं होने वाला है। आशुतोष जी, ये जवाब दीजिए कि क्या इंडियन मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है जैसा आपने बताया अभी? चित्रा जी, मैं इसका जवाब चाहता हूँ। आशुतोष जी 1962 में देश हारा था, ये किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। ठीक है आशुतोष जी, अभी ये बताइए, आपको लगता है कि जो सवाल उन्होंने पूछा आप जवाब दीजिए, बाकी फिर मैं पलट के वो सवाल पूछ लूंगी। आशुतोष जी, आप जवाब देना अगर चाहते हैं तो बताइए, वरना मैं दूसरे सवाल पर आऊं। आशुतोष जी, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर 1962 में के हार के लिए अगर भारत की सेना जिम्मेदार नहीं थी, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा गया एक सेकंड संबित पात्रा, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्योंकि मौजूदा दौर में आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, राष्ट्रवाद वाली सरकार है, इसलिए सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा। और सीधा से सवाल यह है कि ये 15 साल पुराने फाउंडेशन ने, 15 साल पुराने पैसे के मामले में, फंड के मामले में, अगर आज फाउंडेशन को आप गड्ढे में खड़ा कर रहे हैं, 10-10 सवाल उस फाउंडेशन को लेकर पूछ रहे हैं, तो पलट के आपसे क्यों नहीं पूछा जाए कि ध्यान भटकाने के लिए आप लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को बीच में लेकर आ गए? देखिए, हमारे इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से जो आर्मी, वायुसेना, स्थल सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, जुटी हुई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
उनके मोराल को फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर बार बार आप कहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इंडिया है सरेंडर्ड, पीएम है सरेंडर्ड, गलवान वैली इज गॉन टू चाइना, गलवान हमारे हाथ में नहीं है, हमारी आर्मी कमजोर पड़ गई, उन्होंने घुटने टेक, अभी क्या आशुतोष जी ने कि इंडिया की आर्मी ने घुटने टेक दिया है और गलवान दे दिया है चाइना को, तो आप बताइए उससे मोराल पे फर्क पड़ेगा कि नहीं आर्मी के? नहीं नहीं, मैं अभी अभी इन्होंने कहा हमने डीएसडीपी और रोड दे दिया, मैं इनके बीच में नहीं बोल, चित्रा जी मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, प्लीज चित्रा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आशुतोष जी के आवाज को कम करिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इनके आवाज को आप कम करिए, चित्रा जी प्लीज, चित्रा जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, ये आदमी हर दिन गलवान वैली चला गया है हमारे हाथ से, मतलब आर्मी ने दे दिया है चाइना को, धिक्कार है आशुतोष जी के ऊपर, इनको किस पर, इनको केवल सोनिया माता पे भरोसा है, इनको आर्मी पे भरोसा नहीं है, धिक्कार है, अरे आशुतोष जी आप पे धिक्कार है, धिक्कार, ये सोनिया माता के चरणों में लेटने के कारण आप जो अपने देश के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जाओ जाके लेटो वहां पर, आप दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी है, आप उस समय भी दरबारी पत्रकार थे और अभी भी दरबारी है, आप सोनिया गांधी के चमचे हैं, चमचे सोनिया गांधी जी की दरबारी है, और इसीलिए इंडिया के आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसीलिए इंडिया के आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, इन्होंने इंडिया की आर्मी को कमजोर आर्मी कैसे बोला, कैसे बोला इन्होंने इंडिया की आर्मी को कमजोर आर्मी, इंडिया की आर्मी कमजोर आर्मी है, घुटने टेक देती है इंडिया की आर्मी, इंडिया की आर्मी ने सरेंडर किया है, हमने गलवान वैली चाइना को दे दिया है, डीएसडीपी और हमारे हाथ से चला गया है, अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा कोई भी बोलेगा तो भैया हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जान लुटा देंगे मगर जवाब दे के छोड़ेंगे, अगर मेरी आर्मी के खिलाफ ऐसा इसने बोला तो मैं भी बोलूंगा ये दरबारी पत्रकार है, मैं भी बोलूंगा ये क्वीन विक्टोरिया के चरणों में लेटा हुआ है, मैं भी बोलूंगा कि चाइनीज एम्बेसी से जो पैसा आया था उनको इन पैसे से हिस्सा मिला है, तभी ये चाइना के फेवर में बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है आप हमारे मिलिट्री के खिलाफ बोलेंगे और बीजेपी का कार्यकर्ता चुपचाप सुन लेगा, सुन लीजिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता है, अभी बिल्कुल चित्रा जी ने सही कहा था, राष्ट्रवादी पार्टी से है भैया, राष्ट्रवादी पार्टी से, जो देश के मिलिट्री के खिलाफ बोलेगा, आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बोलेगा, खून की दलाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करेगा, बोलेगा कि हमारी मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है, हम उसकी भी पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रखेंगे, दोनों लोगों की बात हो गई सर। जब अब मैं सवाल के साथ आप लोग के पास आऊंगी उस समय आप लोग बोलिएगा प्लीज, और सुनिए संबित पात्रा, आशुतोष को धमकी देने की हिम्मत मत करिएगा, नहीं नहीं सुन लिया मैंने, आपने आर्मी के खिलाफ ही कहा था, आपने जब कहा आर्मी ने, आपने जब कहा कि गलवान वैली सरेंडर हो गया उसका अर्थ क्या है, गलवान वैली कौन सरेंडर करता है, कोई बीजेपी का प्रवक्ता जाके सरेंडर करता है, गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब मिलिट्री हार गई, गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब वायुसेना हार गई, गलवान वैली सरेंडर हुआ मतलब ठीक है, जनता आपको तय करने दीजिए कि किसने सच बोला है, किसने झूठ बोला है, कौन बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीजें जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आज तक को उनके ऊपर भी हम छोड़ देते हैं, अब मैं आ जाती हूँ, ठीक है, आप कह रहे थे ये बीजेपी का प्रवक्ता धमकी दे रहा है, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है, क्या धमकी दे रहे हैं, हमने बिल्कुल धमकी दे रहे हैं कि एक्सपोज कर देंगे, कोई किसी को धमकी नहीं देगा, एक सेकंड सर प्लीज, धमकी है, डिबेट की अपनी मर्यादा होती है, कोई किसी को धमकी नहीं देगा, कौन सी धमकी है, कोई किसी को धमकी नहीं देगा, एक सेकंड, कोई धमकी नहीं है, चित्रा जी कौन सी धमकी दी, हमने कहा हम सारे एजेंट एक्सपोज कर देंगे, के लिए दो पौड़ी का आदमी, डेमोक्रेसी का तो धर्म होता है, आप लोगों की धमकी थोड़ी हो गई, व्यक्तिगत लड़ाई एक दूसरे को फोन करके लड़ लीजिएगा, इस समय मुद्दे पर आ जाते हैं, समित पात्रा आपसे भी रिक्वेस्ट है, आशुतोष आपसे भी रिक्वेस्ट है, अब मैं आ जाती हूँ पवन खेड़ा जी आपके पास, चूंकि बहुत देर से आप और संगीत रागी जो वर्सेस की लड़ाई चल रही थी उसको सुन रहे थे, लेकिन अब तो कम से कम आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो आरोप मेरे ऊपर आपने लगाए थे पवन खेड़ा जी वो गलत है, अंजना जी माफी चाहता हूँ, चित्रा जी
आपके चैनल ने वीडियो चलाया था? नहीं सर, गलत बात है सर, गलत बात है सर, गलत बात है सर। आप लोगों की दरअसल आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, मैं एक चीज बता दूं, बहुत मैं देखिए आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पवन खेड़ा जी, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। एक सेकेंड सर, मैं एक छोटी सी गुजारिश कर देती हूँ कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को आपके साथ ही। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कम से कम अगर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है तो उसकी भी 2014 के पहले 10 साल सरकार थी और उसके पहले बरसों तक, तो उससे भी पलट के कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अगर बीजेपी के अध्यक्ष ने आपसे 10 सवाल पूछे हैं तो 10 सवाल में से कुछ सवाल लेकर मैं आपके पास आऊंगी ताकि आप जवाब दे सके इस मंच के जरिए। लेकिन उल्टा अगर आप, एक सेकेंड सर, उल्टा अगर आप एंकर के ऊपर सवाल दागने लगेंगे और ये कहेंगे कि एंकर को ये पूछना चाहिए ये नहीं पूछना चाहिए, कांग्रेस से क्यों पूछ रही है, वो बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रही है, तो फिर कांग्रेस का यहाँ पे क्या है काम सर? अगर मुझे सारे सवाल बीजेपी से ही पूछने हैं तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर क्या काम है? मैं और संबित पात्रा आपस में सवाल जवाब कर लेंगे। आपका वक्तव्य मैंने बहुत सब्र से सुना, मेरी भी बात सुन लिया। बात ये नहीं है कि आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकती। पिछले 6 साल से सरकार, आपके लिए नहीं कह रहा मैं चित्रा जी, और सरकारी मीडिया हम ही से तो सवाल पूछ रहा है। इनसे बात करो कि भाई वर्तमान में क्या हो रहा है तो भूतकाल में चले जाते हैं, और अगर कुछ नहीं पूछो तो भविष्य की बातें करते रहते हैं। तो हम आज अगर देश हित में पूछ रहे हैं, देखिए ना किस तरह से बरस रहे हैं आशुतोष जी पर। अरे ये पाकिस्तान नहीं है मेरे दोस्त संबित पात्रा, ये हिंदुस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के हाथ में है, और भारत एक ऐसा देश है सेना जिसके हाथ में। इसलिए आशुतोष जी अगर कह रहे हैं कि कमजोर प्रधानमंत्री है, सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, और आप जैसे लोगों का सर्टिफिकेट इस सेना को नहीं चाहिए। इस सेना का सर्टिफिकेट पूरे विश्व के नक्शे पर है, बांग्लादेश नाम है उस देश का, वो भारत सेना का एक सर्टिफिकेट है, ज्वलंत सर्टिफिकेट है, जिसमें अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। तो ये छोड़ दीजिए, इस तरह की छोटी बातें मत किया करिए। अब आइए रागी साहब, आप सूप तो सूप, अब छननी भी कुछ कहने लगी। अरे अपने अकाउंट्स तो सार्वजनिक करिए। आरएसएस की फंडिंग अमेरिका में जो $44 लाख $95 के आसपास आपको मिले थे, उसके बाद से लेकर 2016 तक की जो फंडिंग आपको आई, खुलासा हम भी करेंगे, हमें भी कोई घबराहट नहीं। और चित्रा जी जैसी मजबूत वीर पत्रकार हैं जो हमें चलाने देगी अपने चैनल पर, हमें कोई घबराहट नहीं है आपसे। जितने कागज निकालने हैं जो सार्वजनिक पटल पर हैं हमारे खिलाफ निकालिए, मेरा यह आपको चुनौती है। आरएसएस अपने अकाउंट्स कब सार्वजनिक करेगी ये जवाब देकर जाइएगा, और नहीं तो हम सार्वजनिक करेंगे, हमारा आपको वादा है। रागी साहब आपको मैं निजी तौर पर यह वादा कर रहा हूं, अमेरिका से किसके मार्फत कितना पैसा आता था, इस देश में क्या करने के लिए आता था, वो सब खुलासे हम भी करने वाले हैं। हम अब तक तो सिर्फ चीन की सीमा की बात करना चाह रहे थे, क्योंकि राष्ट्रहित में सीमाओं का प्रश्न उठाना जरूरी है। लेकिन अगर आप सोचते हैं आप हमारा ध्यान बटा लेंगे तो माफ कीजिएगा, हम चीन पर भी पूछेंगे और संघ पर भी पूछेंगे। क्या रिश्ते हैं आपके चीन से, हम ये भी जानना चाहते हैं। ठीक है, उसका जवाब ले लेती हूं। चौरिया दोवल को क्यों ले जाता है चीन में, ये क्या रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या घुटरगु होती है, नरेंद्र मोदी के क्या रिश्ते हैं चीन से कि 18-18 बार चीन के राष्ट्रपति से मिलता है, क्यों चीन की कंपनियों को हिंदुस्तान में बार बार बुलाता है, क्यों धोलेरा की जमीन चीन को इन्होंने दे दी रूपाणी जी ने, इन सबका हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। और क्यों अमित शाह के सुपुत्र जय शाह आईपीएल में इतनी चीन की कंपनियों का स्पॉन्सरशिप ले रहा है, वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल क्यों नहीं हो रही? ठीक है, इसका जवाब ले लेती हूं। संबित पात्रा बोलेगा लेकिन संगीत रागी से, चूंकि सीधे सवाल पूछे हैं संगीत रागी साहब, इतने होने वाले हैं कि आप परेशान हो जाएंगे कि आपने क्या छेड़ दिया। ठीक है, संगीत जी के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है, कांग्रेस के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। आप लड़ते हैं, इनका अकाउंट खोलेंगे तो वो आपका अकाउंट खोलेंगे। संगीत रागी साहब बच पाएंगे? अब ये आग आपने लगाई है तो देखिए कौन कौन जलता है इस आग में। हाँ, वो चुप हो गए, बोलिए। चित्रा जी तरह सुन लीजिए, ऐसा है चित्रा जी कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो पूरी दुनिया में जहां जहां उनको इंटेलिजेंस इनपुट लेना होता है, इस देश के अंदर भी पत्रकारों में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मीडिया हाउसेस में भी इन्वेस्ट किया है, सारे लोगों को मैं नहीं बात कर रहा, इंटेलेक्चुअल में भी इन्वेस्ट किया है। प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए सर, क्यों इतना दर्द होता है आप लोगों को? सुनील अंबेडकर का भी नाम होता है, सुनील अंबेडकर का भी नाम है, शौर्य गोवल का भी नाम है। मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मंत्री के साथ का भी नाम इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार से राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया बोलेंगे तो मुझे लग रहा है दर्शक बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है सर, पवन खेड़ा जी तमाम नाम आपने ले लिए, हम उसका जवाब तो सुनिए संगीत रागी का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चाइना के लिए काम कर रहे हैं, सस्पेंड करवा दिया इन्होंने।
ठीक है, हमें मालूम है ना इनकी असलियत, तो आरएसएस की असलियत मुझसे जानना चाहते हैं। आपको इतना दर्द हो रहा है, बताता हूँ पवन जी, आप इतना क्यों दर्द हो रहा है? राम माधव की असलियत देश का हर बच्चा बच्चा भी जानता है कि संघ प्रमुख पर भी आरोप लग गए थे, इसलिए मुझसे तो आप बात करने में कांग्रेस परिवार का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। आपको पैसा कहाँ से आता है बताइए, अमेरिका से कितना पैसा आता है बताइए, चीन से कितना पैसा आता है बताइए, आ गए हैं हमें आईना दिखाने। अरे हिम्मत दिखाइए, अपने सार्वजनिक करिए, अपने फंड्स को सार्वजनिक करिए, आपको पैसा कहाँ से मिलता है वो सार्वजनिक करिए। ये विदेशी संस्थाओं और चीन जैसे दुश्मन संस्थाओं से पैसा नहीं लिया जाता है, उनको बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हमने बात करनी शुरू कर दी, हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं हिम्मत करनी चाहिए? क्या श्रीमती सोनिया गांधी की जैसा जाकर के कोई दलाली कर रहा है चाइना से, क्या कि नहीं बोलेगा? क्या हमने कोई दलाली किया चाइना से तो नहीं बोलना चाहिए मुझे? एक एक करके अपनी बात रखे पवन जी, आपने सवाल पूछा है, संगीत राज जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत सारे मेरे भी सवाल है। ठीक है पवन खेड़ा जी, संगीत राज जल्दी से अपनी बात पूरी करें। जिसका इससे है वो चाइना से किस से लेते हैं चीन से, हम ये जानना चाहते हैं। बड़े आए हैं, हमें आईना दिखाने वाले। अरे मेरा तो अनुरोध है लोकसभा स्पीकर से, राहुल गांधी को पार्लियामेंट के डिफेंस कमिटी से बात करना चाहिए। एक एक करके सर, आप लोगों की आवाज साफ नहीं पहुंच रही होगी दर्शकों तक, एक एक करके हम बोले तो एक एक करके सर, प्लीज प्लीज एक एक करके। आपका सवाल पूरा हो गया है पवन जी, तो मैं जवाब ले लूं संगीत रागी से। रिटर्न्स कब फाइल किए थे? ठीक है, मैं पूछ लेती हूं संगीत रागी, सुनील अंबेडकर के इसी चीनी संस्था से क्या संबंध है, कितनी बार गए हैं आरएसएस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? आखिर सर ये चौथी बार इसी शो में आप यही सवाल पूछ रहे हैं, एक बार जवाब ले लीजिए। संगीत रागी बताइए, वो आपके अकाउंट के बारे में जानकारी चाहते हैं, चीन के खिलाफ लड़ा है, घूम फिरकर फाउंडेशन और अकाउंट पर आ गई है, बताइए संगीत रागी जी। चित्रा जी बात अभी चल रही है राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए, मेरा मैं मुद्दे पर फोकस रहता हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन में क्या कारण है कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये पारिवारिक ट्रस्ट में चाइना पैसा देता है, चाइना की पुलिस पैसा देती है, और क्या इसकी गारंटी है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में डिफेंस कमिटी पर आते हुए चाइना को इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं शेयर करते हैं? आप क्या गारंटी है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी क्या गारंटी है कि चाइना को इंटेलिजेंस इनपुट नहीं शेयर करते होंगे? क्या इसकी गारंटी है? राहुल गांधी यदि डोकलाम के समय चाइना के अंडरस्टर से कुछ उत्तर मिलते हैं तो देश में यह संदेह होना लाजमी है कि कहीं वो देश के साथ तो नहीं कर रहे, क्या वो चाइना के इशारे पर नहीं काम कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी एक एक करके अपनी बात रखेंगे? प्लीज प्लीज, ये इस वर्सेस की लड़ाई से आगे बढ़ना होगा, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है, किसी का भी हो ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। संगीत रागी मुझे भी लग रहा था कि जल्दी से, प्लीज सर पवन खेड़ा जी प्लीज, संबित पात्रा आप हाथ उठा रहे हैं और आशुतोष इनकम टैक्स में इन्होंने अपने रिटर्न्स कब फाइल किया आरएसएस ने, बताया ना जवाब देना। संगीत रागी जी आप बता दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों की बात बता दीजिए। ठीक है संबित, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास, बताइए संगीत रागी। ऐसा है पवन खेड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको शायद जानकारी नहीं है कि इनकम टैक्स हमेशा हर साल फाइल किया जाता है, और मैं कोई संकट प्रवक्ता के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाते ये मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और पूरा परिवार, गांधी परिवार जो है वो संदेह के घेरे में आना चाहिए, क्योंकि चीन जैसी दुश्मन नंबर एक कंट्री से यदि गुपचुप तरीके से गांधी परिवार पैसा दे रही है और वह भी प्राइवेट ट्रस्ट के लिए पैसा दे रही है, पहले देश के साथ गद्दारी करने से बिल्कुल कम नहीं है। इस पर अमेरिका से कितने फंड लिया आपने? अमेरिका से कितने फंड लिया आपने? मुझे इसका जवाब चाहिए। ठीक है सर, इंडिया डेवलपमेंट रिलीफ फंड। अभी ये तो कम से कम साफ हो गया है कि चीन के खिलाफ ये लड़ाई देश के भीतर कितनी कमजोर है कि हम एक दूसरे का अकाउंट। संगीत जी आपकी बात हो गई, आशुतोष से मैं क्लोजिंग कमेंट नहीं लेकिन संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं, सभी जल्दी से, सभी जल्दी से प्लीज। ठीक है इन दोनों लोगों की आवाज कम करिए वरना किसी को कोई सुन नहीं पाएगा, प्लीज जल्दी से। ये ऐसी लड़ाई चलती रहेगी कोई नहीं सुन पाएगा। देखिए अभी मैं भी एक स्वयंसेवक हूं, मैं बता दूं इतने वर्ष 70 वर्षों तक तो सरकारें रही थी देश में। इनका कहना है कि अमेरिका से संघ पैसा ले रही थी तो क्या सोनिया गांधी जी को 2-3 बिस्कुट पहुंचा देती थी जो सोनिया गांधी संघ के खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी? हैं? क्या संघ की एजेंट है क्या सोनिया गांधी?
पैसे लेके संघ के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही थी, बताओ क्यों? क्या एजेंट है संघ की? एजेंट नहीं, सोनिया गांधी संघ की एजेंट है। इतने सालों तक सरकार में रही फिर भी संघ के खिलाफ कोई काम नहीं किया। संघ इतना गड़बड़ कर रहा था, संघ अमेरिका से पैसा ला रहा था और सब गड़बड़ झाला कर रहा था। ये सवाल तो एक दूसरे से भी पूछे जाएंगे। अगर एक उंगली आप सामने वाले की तरफ उठाएंगे तो पलटकर तीन उंगलियां आपकी ओर भी इशारा करेंगे। दोनों ही पार्टियों पर, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों पर ही ये बात समान तौर पे लागू होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, चीन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं मजबूती से या देश के अंदर ही एक दूसरे के आमने सामने हम खड़े हैं? इस डिबेट को देखकर आपको कम से कम अंदाजा इस बात का हो गया होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। हल्ला बोल लगातार जारी, आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।